नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को भारतीय संविधान के विकास के बारे में बताऊंगा। यहाँ से हम लोग पॉलिटी के चैप्टर का सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए भारतीय संविधान के विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम दो भाग में बांटते हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी ताज के शासन के अंतर्गत जो एक्ट आए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो रहा आपका 1773 से 1858 के बीच में, 1773 से 1858 के बीच में। उसके बाद 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद जो है जो भारत का जो शासन है जो ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के शासन के अंतर्गत चला गया। उसके बाद चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक्ट के बारे में। तो रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले जो कदम उठाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 ईस्वी में आया। कब आया? 1773 ईस्वी में, याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया 1773 में। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद आया चार्टर एक्ट अधिनियम 1793, उसके बाद आया चार्टर एक्ट अधिनियम 1793, उसके बाद आया चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813। उसके ठीक 20 साल के बाद 1833 में फिर से चार्टर एक्ट आया। उसका ठीक उसके 20 साल के बाद 1853 में आपका फिर से चार्टर एक्ट आया 1853 में। उसके बाद जो है जो यहाँ तक आपका जो है रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट अधिनियम 1793, 1813, 1833, 1853, ये जो है जो यहाँ तक आपका जो एक्ट आया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन करने के लिए आया। उसके बाद जो 1857 में विद्रोह के बाद जो है जो भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चला गया और महारानी विक्टोरिया के द्वारा संचालित किया जाने लगा। तो वहाँ के बाद आपका आ गया भारत सरकार अधिनियम 1858, उसके बाद आया आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। उसके बाद आपका 1892 में आपका आया भारत परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892, उसका फिर से आया भारत परिषद अधिनियम 1909, यानी तीन गो भारत परिषद अधिनियम आया 1861 में, 1892 में और 1909 में। उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम, उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919, उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी में आपका जो दोस्तों बात किया गया था कि जो भारत है जो एक स्वतंत्र देश बनेगा, भारत और पाकिस्तान। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जितने सारे ये जो एक्ट हैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से एक्ट में क्या क्या कमियों को दूर किया गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।